मसीह की सलामती, इत्मीनान और प्यार आप सबके साथ हो। मैं हूँ आपकी होस्ट नरा इलियास और आप देख रहे हैं द शो कॉल्ड एक नई उम्मीद हम सबके लिए। तो जी, हम एंटर हो रहे हैं एक बहुत ही खास प्रोसेस में, खास सीजन में, जिसको हम कहते हैं आमद। हम आमद के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। इस एतवार जब आप अपने गर्जाघर में जाएं और जब वो शमा रोशन की जाए जो हमें याद दिलानी कराती है एक नई उम्मीद की, तो जरूर गौर कीजिएगा कि आज आपकी जिंदगी की नींव किस पे डटी है। क्या वो उस उम्मीद पर है जिस उम्मीद का नाम अल्फा और ओमेगा है? क्या वो उस उम्मीद पर है जिसका नाम यसु है? दिन भर जो लोग आपसे मिलते हैं, क्या वो उस उम्मीद को महसूस कर सकते हैं जो आपके दिल में है? क्या वो उम्मीद आपसे होकर दूसरों में जाती है? आपकी बातचीत के तहत, आपकी गुफ्तगू के तहत, क्या वो उम्मीद दूसरों को मिल पाती है? एक लम्हा जरूर सोचिएगा। आज ही जब मैं अपनी बहन के साथ इस बात का जिक्र कर रही थी और हम आमद के इतवार के बारे में ही बात कर रहे थे, सो शी गाइडेड मी और एक बहुत अच्छी टेस्टिमनी शी शेयर्ड विद मी। उन्होंने अपने एक पेशेंट की टेस्टिमनी मुझसे शेयर की एंड शी सेड वो पेशेंट वाज ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ। 34 इयर्स की एक औरत जो एक कार एक्सीडेंट में बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गई, और ये मेरी सिस्टर उसकी मामा से मिली और उसकी जो माँ थी वो कहती है कि होप कीप्स मी गोइंग, कि वो उम्मीद है। दो एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ हर was badly crushed, doctors sab keh rahe there is no hope, but she kept her eyes on the hope that's Jesus, and she said the words hope keeps me going. Wo mujhe bhi jab unhone mujhse ye baat share ki to mujhe bahut zyada touch kiya, aur sath hi wo jo patient thi unki walida ne is baat ka bhi zikr kiya ki agar meri beti dam tod bhi deti hai tab bhi my hope will not go away, because I know that this is according to the plan of God. आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हमारी जिंदगी में उम्मीद क्या है। क्या वो उम्मीद वाकई ही यीशु है, या हम दुनियावी तरीके से कहते हैं कि जी उम्मीद है हमारी जिंदगी में ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। जरा सोचें और दुआ करें कि आज, बल्कि अब से, वो उम्मीद की शमा, वो पहली शमा आपकी जिंदगी में जरूर रोशन हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।